हम एम सी एक्स का एनालिसिस करने वाले हैं। यहाँ पे हम क्रूड ऑयल में देखेंगे कि क्रूड ऑयल में जो ऊपरी लेवल से भारी गिरावट आई थी, अब यहाँ पे हमें जो बेस बनता हुआ नजर आ रहा है, क्रूड ऑयल एक अपमूव की तैयारी कर रहा है। इसके सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल हम आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो इसके लिए एंजल स्पार्क एप्लीकेशन पर हम आ चुके हैं और यहाँ पर आने के बाद इंस्टा ट्रेड एफ एंड ओ पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने यहाँ पे इसका इंस्टा ट्रेड की ट्रेडिंग विंडो ओपन हो जाती है। और इस ट्रेडिंग विंडो के ऊपर यहाँ पे जो हमने क्रूड ऑयल को लगा के रखा है, इसको स्लाइड करेंगे तो आपको यहाँ पे क्रूड ऑयल देखने को मिलेगा। इस क्रूड ऑयल को हम यहाँ से पे लगा लेंगे। जैसे क्रूड ऑयल को हम यहाँ पे लगा लेते हैं तो 20 मार्च 2023 की एक्सपायरी का क्रूड ऑयल है। इसको हम क्लिक करते हैं तो हमारे सामने क्रूड ऑयल का यहाँ चार्ट लग जाता है। यहाँ पे जो क्रूड ऑयल का चार्ट लगा हुआ है, यहाँ आप देख सकते हैं कि डेली कैंडल पे चार्ट यहाँ पे बना हुआ है, जो इसके हमने इंपॉर्टेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल को लगाया हुआ है जो 6716 के आसपास है और यहाँ पे सपोर्ट 6100 के आसपास का बना हुआ है। तो इन्हीं रेंज के बीच क्रूड ऑयल कामकाज करते हुए नजर आ रहा है पिछले काफ़ी दिनों से, या काफ़ी महीनों से आप कह सकते हैं कि इसी रेंज में क्रूड ऑयल फंसा हुआ नजर आता है। जब क्रूड ऑयल 600 के लेवल आप पे आता है तो यहाँ से हमें अपसाइड देखने को मिलते हैं, और जब क्रूड ऑयल 6700 के लेवल आता है तो हमें क्रूड ऑयल में एक प्रेशर देखने को मिलता है। इसके साथ ही क्रूड ऑयल में जो चैनल बना हुआ है, अगर हम यहाँ इसको एक ड्राइंग करके देखते हैं तो यहाँ से एक अप मूव, एक डाउन मूव, अप मूव एंड डाउन मूव, अप एंड डाउन का मूव बना हुआ है। मतलब कि यह एक जिगजैग चार्ट को यहाँ पे जिगजैग पैटर्न को फॉलो करते हुए नजर आ रहा है। तो यहाँ पे जो पैटर्न इस प्रकार का बना हुआ है, तो अब यहाँ पे देखने वाली बात यह है कि जिस भी दिशा में यह पैटर्न ब्रेक होगा उसी दिशा में मार्केट में हमें एक अच्छा खासा मूव देखने को मिलने वाला है। फिलहाल में तो अगर हम बात करें तो अभी जो मार्केट यहाँ से चल रहा है तो किस प्रकार से ऊपर जा सकता है, तो अगर हम यह पैटर्न कंटिन्यू रहता है जो पैटर्न पर अभी क्रूड ऑयल वर्किंग कर रहा है, तो अभी इसने यहाँ सपोर्ट लिया है तो इस सपोर्ट को देखते हुए वापस से क्रूड ऑयल ऊपर जा सकता है और ऊपर के लेवल जो है ये 6600 के हमें दोबारा से दिखा सकता है। तो ये लेवल हमें देखने काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, इन लेवल के ऊपर हमारी नज़र हो सकती है। फिर भी अगर हम सपोर्ट के रूप में देखें तो सपोर्ट के रूप में ये वाली जो रेंज है 6100 का, ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। जब तक कि इस सपोर्ट को क्रूड ऑयल ने होल्ड करके रखा है तब तक के क्रूड ऑयल हमें ऊपर साइड के लेवल देखने को मिल सकते हैं, और जब तक कि इस रेजिस्टेंस के लेवल को हम क्रूड ऑयल ने होल्ड करके रखा है तब तक हम क्रूड ऑयल में एक रेंज को हम यहाँ पर प्ले कर सकते हैं। इन दोनों रेंज के ब्रेक होने के बाद हमें उस रेंज में क्रूड ऑयल में तेजी या गिरावट देखने को मिल सकती है, तो इस रेंज को हम यहाँ पे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो इस प्रकार से अगर आप क्रूड ऑयल को अगर लगता है कि यहाँ से यह रेंज कंटिन्यू रह सकती है, क्रूड ऑयल यहाँ से ऊपर साइड आ सकता है, तो हम फ्यूचर में पोजीशन बनाने के लिए यहाँ बाय बटन पे प्रेस करेंगे। अगर लगता है कि क्रूड ऑयल में हमें निगेटिव साइन मिल सकता है, क्रूड ऑयल नीचे आ सकता है, तो हम सेल ऑप्शन का यूज़ करेंगे। फिलहाल में अगर हमें लगता है कि मार्केट में हमें अपसाइड के मूव बनते हुए नजर आ सकते हैं तो हम बाय ऑप्शन पर क्लिक करते हैं, एक लॉट यहाँ पर टाइप करेंगे और एक लॉट में हमारे सामने जो पोजीशन बनती है 1000 BBL की बनती है, और यहाँ जो इन्वेस्टमेंट लगने वाला है 6316 रुपीज़ के साथ, तो यहाँ जो इन्वेस्टमेंट लगेगा आपका तकरीबन 2 लाख रुपये का आपको इन्वेस्टमेंट लगेगा। आपको यहाँ बाय ऑप्शन पे क्लिक करना होता है। एक बार बाय ऑप्शन पे क्लिक करते हैं कंफर्म बाय का ऑर्डर आता है, ऑर्डर कंफर्म करना होता है। एक बार ऑर्डर कंफर्म होने के बाद जो पी एंड एल है हमें सेम विंडो पे देखने को मिल जाता है। एनी टाइम अगर हम ट्रेड से बाहर आना चाहते हैं या ऑर्डर को मॉडिफाई करना चाहते हैं तो ऑर्डर बटन यहाँ पे देखने को मिलते हैं। इस ऑर्डर बटन का यूज़ करके हम ट्रेड से बाहर आ सकते हैं, या किसी भी समय हम अपनी पोजीशन को एग्जिट करना चाहते हैं तो हम अगर हमने सेल की पोजीशन बनाई है तो बाय ऑप्शन का यूज़ करेंगे, और अगर हमने बाय की पोजीशन बनाई है तो हम सेल ऑप्शन का यूज़ करके हम अपनी पोजीशन को यहाँ से इसको आप करके हम अपना कुछ ही सेकेंड में अपना पोटेंशियल रिटर्न को बुक करके मार्केट से बाहर आ सकते हैं। तो इतना ईजी, इतना आसान होता है एंजल स्पार्क को यूज़ करना। दोस्तों, अगर आपने अभी तक डीमैट अकाउंट एंजल स्पार्क के साथ ओपन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से आज अपना डीमैट अकाउंट एंजल स्पार्क के साथ ओपन करें, और आप अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन करें ताकि स्टॉक मार्केट से जुड़ा हर एक अपडेट आपको समय समय पे मिल सके। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग। नमस्कार।